वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और पिछली वीडियो में बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिला है और मेरे कहने पे कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक्स। और ऐसी अपना प्यार बनाए रखें ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो सके और आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। और आज एक और वीडियो आपको मिलने वाली है, जो टाइमिंग है 12 बजे, वो मिल जाएगी सड़ा पैक्स के ऊपर कि सड़ा पैक्स कैसे ज्वाइन करें, पूरा प्रोसेस मुझे मैंने बताया उसमें, तो लाइव प्रोसेस करके दिखाया है। अगर वो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को और सब्सक्राइब कर देना जो भी नया होगा। और अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो कर सकता है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। तो हम पूछने वाले हैं अपनी लोकेशन में, जो होते हैं ऑनलाइन पड़ापट करते हैं काम जोमेटो में। आज का फाइनली पहला ऑर्डर आ चुका है हमारे पास, तो उसको करते हैं पिक। उठाना कहाँ से है हमें, यहाँ से, तो वापस जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना पड़ेगा हमें। तो चलते हैं फटाफट से ऑर्डर करते हैं पिक और देखते हैं कहाँ ड्रॉप करना है। अपना फर्स्ट ऑर्डर भाई, ऑर्डर देना यूट्यूब पे ना। ये अपना फर्स्ट ऑर्डर और इसको लेके हमें जाना है बाली नगर, वो भी बस ही तारापुर में। तो चलते हैं फटाक से ऑर्डर करते हैं डिलीवर। हम पहुंचने वाले हैं आपको ड्रॉप लोकेशन में और मौसम हो चुका है भाई एकदम मस्त, जैसे कि मैंने सोचा था कि हाँ भाई मौसम बढ़िया हो जाए, बस बारिश वाला मजा आया काम करने वाला। तो जिस टाइम मैं आया था उस टाइम तो धूप निकल रही थी, तो मुझे लगा धूप ही रहेगी, बट फाइनली भाई मौसम एकदम सुहाना हो चुका है। तो भाई चलते हैं, इसको करते हैं ड्रॉप। हाँ, गली नंबर 12 में जाना है मुझे, तो उसके आगे वाले में जाना है, यहाँ यहीं पे होगा जो होगा। हाँ हाँ, और मैं ये लो। ओके ना जी मैम जी, तो ये हो चुका अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर। हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर कब तक आता है अपना। ओके, तो अपना आ चुका भाई दूसरा ऑर्डर, जो कि है प्रेम दी हट्टी से उठाना है, तो उसके लिए क्या ही मैं आप देखना। और अब रेन सर्च भी ऑन हो चुका है 10% का, तो ये ऑर्डर देखते हैं कहाँ पे देना है जाके। रेमली हट्टी तो सामने ही है, तो इसको ऑर्डर लेते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पे इसको ड्रॉप करना है। तो बारिश मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है। कैमरे को तो मैं सेव करके पहले आया था, फ़ोन भी मैं सेव कर ही लूँगा, तो पहले ऑर्डर पिक करते हैं फिर देखते हैं। हम हो चुका है सेकेंड ऑर्डर भी पिकअप और बारिश हो चुकी है चालू। फ़ोन को करते हैं सेव और चलते हैं, मानसरोवर गार्डन का ऑर्डर है ये, तो मानसरोवर गार्डन चलते हैं इसको ड्रॉप करने। भाई यहाँ पे बारिश हो चुकी है शुरू और मैं बारिश में नहाते नहाते जा रहा हूँ। मैंने दो को तो सेव कर दिया, बट एक चीज़ को सेव नहीं किया, वो है मेरा वॉलेट। वॉलेट में यार पन्नी लाना भूल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँगा इसको मैं और सेव। दो चीज़ों को तो मैंने सेव कर दिया, पर वॉलेट को भी देखते हैं यार कुछ जुगाड़ हो जाए। तो अगर पन्नी मिल गई बैग में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। और यहाँ पे बारिश शुरू हुआ पर यहाँ पे तो रेन सर्च नहीं मिल रहा, पश्चिम यहाँ की तरफ मिल रहा है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ही नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, जहाँ देना चाहिए वहाँ से तुम्हें देना दिया ना जा रहा है, तो यहाँ दे रहे हो। यहीं पे थोड़ा और रह गया बस, मानसरोवर गार्डन यहाँ पे होगा। हाँ, 113 और 4 किधर हो रहा, 4-6 मिल गया सामने ही है। तो ये ऑर्डर होगा डिलीवर। और अंकल जी ने मुझे 2 कॉइन दिए, मतलब 15 रुपये किस बात के दे दिए,
ऑर्डर तो डिलीवर था, बॉयज के लिए दे देगा 15 रुपये। नेक्स्ट ऑर्डर कर दे भाई। अब कितनी जगह चल रहा है रेंज सर देखते हैं। पश्चिम में पंजाबी बाग रजौरी वाले में भी चल चुका है, कीर्ति नगर में चल चुका है, 10 से 40 रुपये का चल रहा है। तो ये अच्छी बात है, फटाफट से आता है, चलते हैं ऑर्डर करने। पर से पहले फ़ोन कर लूँ, मतलब टाइम लगा लूँ चार्ज में। तो भाई जैसे कि देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश में मैं आया हूँ काम करने के लिए, है ना, मस्त बारिश हो रही है। मैं तो गया हूँ बारिश में काम करने के लिए, और रेनकोट भी मैंने मंगा रखा था, बट रेनकोट लाना भूल चुका हूँ मैं, रेनकोट घर पे ही है। और बारिश में मैं गीला हो चुका हूँ, बस कोई बात नहीं, नहाते हुए काम करने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को। तो देखते हैं भाई कब तक बारिश होती है, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी रुकेगी, क्या पता ऑर्डर ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट बारिश जो हो रही है बहुत तेज़ हो रही है, अगर दिख रही हो तो शायद दिख जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर कब तक आता है, बारिश में तो हमें काम करनी है, अगर यहाँ से आ जाता तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं रजौरी की तरफ, वहाँ पे क्या पता ऑर्डर आ जाए। क्योंकि पहला ऑर्डर जो मैंने किया था बाली नगर से डिलीवर, उसके बाद रजौरी गार्डन में जाने के बाद मुझे सेकेंड ऑर्डर मुझे मिला था। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे, तो वेट करते हैं ऑर्डर का, तो देखते हैं। बारिश तो वैसे दमादम हो रही है एकदम मस्त जी। तो भाई देखो कितना दमादम बारिश हो रही है, और भाई साहब एक नंबर का मज़ा आ रहा है। वैसे तो मैं शायद गलत आ गया या सही आ गया हूँ, ये समझ नहीं आया मुझे वैसे। मेरे हिसाब से मैं सही आया हूँ। ये है बारिश का मज़ा भाई साहब, मैं हो चुका हूँ मैसेज पूरा गीला, और मुझे पन्नी तो भाई मिली नहीं, जिससे कि मैं मतलब अपने वॉलेट को सेव कर सकता। तो सुबह भी नहा लिया था, इस टाइम भी नहा ही रहा हूँ। तो देखते हैं भाई बारिश में काम आता है तो कैसे आते हैं भाई, कब तक मैंने लगाया कर रखा है कब से। तो चलते हैं नहाते हुए रजौरी गार्डन की तरफ वापस, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, क्या पता वहाँ जाते जाते या उसके पास आ ही जाए। तो फाइनली भाई अपना एक और ऑर्डर आ चुका है बारिश में वो भी। तो भाई कैसे हैं, रुको वेट, सब्जे तो उठाना है मुझे, जो कि है सब्जे कहाँ पे, ये तो कुछ नया लग रहा है मेरे को सब्जे। हाँ रमेश नगर से उठाना है, तो कहते हैं ओके, और मैप देखते कहाँ ले जाएगा, यहाँ से थोड़ा आगे है शायद, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैप थोड़ा घूम जाता है। सही है, तो बारिश में काम करो और एक्स्ट्रा इनकम कमाओ और मजे करो। और मुझे पता है सच बताओ तो आगे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, वो सीटा ठीक है क्योंकि नया हेलमेट है इसलिए मुझे दिख रहा है, और वैसे तो नहीं दिख रहा, ये रमेश नगर ही है वैसे तो। तो चलते हैं बड़ा पर, तो उठाते हैं बारिश में मौसम कह रहे हैं ना, ऑर्डर उठाते हैं चलते ड्रॉप करने, देखते हैं कहाँ पे उसको ड्रॉप करना है हमें। तो हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट और स्कूल नहाए हुए हैं, यही पे पूरा पूरा नहाए पड़े हम तो। मैम कोई पन्नी मिलेगी? वो बोले सेव करना था, मैं सोचा पन्नी मिल जाती है। नहाते धोते काम करेंगे जा। ये बारिश हो रही है बहुत जोर की, ले इसको बचाओ, ऑर्डर बचाओ, जल्दी से रख दो भाई इसको अंदर, और उसको कर दो पूरा बंद। वो मैंने वैसे देखा नहीं है कि कहाँ का ऑर्डर है ये, मैंने बस पिकअप कर दिया है। इसको लेकर जाना है मुझे फिर से, शायद मानसरोवर गार्डन से जाना है मुझे। तो चलते हैं मानसरोवर गार्डन, नहाते धोते, साबुन होती तो मैं यहीं पे साबुन लगा के भी नहा लेता यार, अच्छा मजा आ जाता फिर तो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं नहाता गया देना कहाँ पर, कितना घुमा के ले जा रहा भाई है, डीव लोक में तो जाना था मुझे।
बच्चे मन के सबसे हर जगह आंटी जी वही मैं तो नहीं हट रही यहाँ पे कहाँ है भाई, देखो स्कूल के बच्चे ऐसे हैं, हम भी ऐसे करते थे अपने टाइम पे। डीएस 42 में जाना है मुझे, तो चलते हैं लिफ्ट के थर्ड फ्लोर मल्होत्रा। थर्ड फ्लोर भी आ गया हूँ मैं, मल्होत्रा बेल होगी, ये हो गया होटल। तो चलते हैं नेक्स्ट होटल की तरफ। अब बारिश हो चुकी है खत्म और धूप भी आ चुकी है, आज हर कोई नहा लिया भाई। मेरा ऑर्डर भी आ चुका है, ऑर्डर कहाँ से हल्दीराम से उठाना है, उठा लेंगे। यार 50 रुपये टिप मिली है भाई, तो उसको इनको कहते हैं थैंक्स। तो हल्दीराम आज का भाई मजा ही आ गया भाई, बाइक में काम करके मतलब पानी तो भाई सब बहुत फटक भरा हुआ है, आधा आधा बाइक का टायर ही डूब जा रहा है। मैडम सुपरवाइजर पता नहीं कहाँ में जा रही, कहाँ में जा रही, यहाँ है हल्दीराम, तो यहाँ आना था मुझे। मानसरोवर गार्डन में भाई साहब बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे मैं ऑर्डर देने गया था। अब अपनी बाइक कहाँ से लेके जाएं, इधर से वहाँ खड़ी करेंगे, अब फिलहाल ये तो हटे, हमें तो जाने दे। यही लगानी पड़ेगी गाड़ी को, यहाँ पे ऑर्डर देने लेना, जहाँ से पहले भी लेके गया था एक बार। हो चुका है पिकअप हल्दीराम से, और उसको लेके जाना है रजौरी गार्डन में, तो चलते फटाफट से देते हैं इसको डिलीवर। यहाँ से यहाँ पे तो रेस्टोरेंट है सारे, यहाँ पे कब से ऑर्डर मंगाने लग गए लोग, अपने को तो पता ही नहीं था भाई यहाँ पे भी कोई ऑर्डर मंगाता है, पर देखते हैं भाई कहाँ पे ऑर्डर देना है। तेरी भैंसिया की आँख देख रहा भाई कितना पानी भरा हुआ है, तो ये नहीं पता भाई किधर, अगर कहीं गंदा हुआ ना तो फाक से अंदर ही घुस जाना है। इधर कहाँ पे है यार, ले गए अच्छा उधर है शायद, देखो पर गड्ढा ना हो यार एकदम में कोने पे। आइए ये गड्ढा है तो सही, पानी भी बहुत सारा है यहाँ पे तो भाई साहब। लेके जाना मुझे सेकंड फ्लोर, और यह है वर्धमान प्लाजा में, तो देखते हैं किधर है ये। हाँ जी हल्दीराम का, ओके मैम ऑर्डर हो गया डिलीवर, 101 पे यहीं पे हो गए, इतनी पास में मेरे सही है भाई, बाइक में फायदा है, अब देखते कब तक ऑर्डर आता है। ऑर्डर तो आ चुका है बाइक के पास पहुँचने से पहले ही, वाह जी वाह, अच्छा ये तो सामने ही जरिए है, घूम फिर के जाना पड़ेगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। तो ये देखो भाई तालाब भरा पड़ा है पूरी तरीके से, क्या होगा यार, चलो चलते हैं रेस्टोरेंट। अपना जो वाजवा है मुझे याद है किधर है, इसलिए मैं मैप मैंने चलाया ही नहीं, ये अपना वाजवा लेते हैं उधर, ऑर्डर देखते कहाँ जाना है। अपना हो चुका है एक ऑर्डर डिलीवर, और इसको करते संबेट, इसको लेके जाना है भाई हमें मानसरोवर गार्डन, आज हमें मानसरोवर गार्डन में ही मारेगा ये, और कहीं नहीं मारेगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं मानसरोवर गार्डन दोबारा से, तरफ बक्कर मार्बल,
इसके पीछे रहूँगा तो मेरा काम तमाम ही हो जाएगा। अभी भी थोड़ा आगे है। कितना आगे दे दिया तुमने, मेरे को लगता है ये रोड भी पार करनी पड़ेगी मेरे को। रोड है यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं है। इस साइड ही होगा बच्चे, हट जाओ नहीं तो नहा लोगे खामा खाई ऐसे। वो भी ये रहा, आगे भी देखना मेरे भाई, यहीं पे तो लाना मुझे बक्कर मार्बल्स में। बड़ी जल्दी में अब आई बंदा पहले बता दे तू क्या है। मुझे लगता है वेट कर रहे थे यहीं पे। हाँ करते चलो ठीक है, ये अच्छा है बाहरी बात एरिया उधर अच्छा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट उधर अपना। अपना आ चुका है एक और ऑर्डर, गाड़ी को जाने दो, अपनी गाड़ी लगाओ कोने में, मैप पढ़ा लो यहाँ हल्दीराम फिर से वहीं आ गया भाई ऑर्डर, जहाँ से भी लेके जाऊँ। ये थोड़ा दूर का बता रहा मेरे को, लगाना तो देखा ही नहीं ये हल्दीराम तो यहीं है यार, कहाँ गया ये पीछे ही रहा यार। जहाँ से अभी गया हूँ ऑर्डर लेके वहीं से जाना पड़ रहा दोबारा ऑर्डर लेने के लिए, रिटर्न मार के आना पड़ेगा मेरे को। तो चलते हैं इसको करते हैं पिक और देखते हैं कहाँ ड्रॉप करना है। अभी यहाँ से जो ऑर्डर लेके गया था तो देखते हैं वहाँ का तो नहीं है कहीं दोबारा से। ये बात है जमैटो में कभी आपको ना एक ही जगह का ऑर्डर बार बार नहीं मिलेगा, मिलेगा मतलब कस्टमर का, अलग अलग कस्टमर मिलेंगे बट ऑर्डर जो है ना वो आपको एक एक रेस्टोरेंट से ही मिलेंगे। तो जाओ अंकल जी आप इधर, हम चले इधर लगाते गाड़ी फिर से लेके आते हैं ना वापस वहीं पे जहाँ से भी गया था। देखते हैं ऑर्डर अपना है या नहीं है। इसके अंदर पर्ची पड़ी है, ये नहीं है अपना, ये हो चुका अपना एक और ऑर्डर पिकअप और उसको लेके जाना है भाई इस बार इंद्रपुरी। तो चलते वड़ा पर से करते हैं इसको ड्रॉप इंद्रपुरी जाकर। गार्ड भैया किधर है? अच्छा ये रोहित शर्मा, आपको और से देने को तो दे दिया मैंने, तो दे दिया भाई मैंने ऑर्डर। हाँ तो दे दिया मैंने और क्या। तो पता है अजीब अजीब बंदे मिलते हैं यहाँ पे, पता है जिनका ऑर्डर है भाई मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने बोला एड्रेस में आ गया हूँ ये है वो है, क्या है कौन बोल रहे हो, मतलब ऑर्डर करके ही भूल जाते हो क्या, इतने पैसे है तो फिर गरीबों में बांट दो फिर। अब दो जगह चल रहा है खाली रेंसर्स पंजाबी बाग को किसी नगर। तो फिलहाल मेरे पास तो ऑर्डर आ चुका है इतनी ट्रैफिक में वो भी, क्योंकि पहले मैं इंद्रपुरी में था, इंद्रपुरी में कोई नहीं आया ना नारायणा में आया, जब कीर्ति नगर के पास आ चुका हूँ तब जाके मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा है। और ये उठाना कहाँ से भाई, मोती नगर से। चलो ठीक ही है ये भी, तो चलते हैं मोती नगर और उठाते हैं इस ऑर्डर को। बट यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं जल्दी निकल पाऊँगा। नारायण साइड में भी कोई ऑर्डर नहीं आया था मेरा, बहुत दिक्कत है भाई यहाँ से शायद ना निकल पाऊँ। देखते कब तक निकलते हैं फिर ऑर्डर लेते हैं चल के, और देखते कहाँ पिक करना है। उल्टी सीधी बंदों ने गाड़ी घुसड़ रखी है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जहाँ मन किया वहीं घुसड़ दी गाड़ी। नारायणा में भी ऐसे ही जाम था जहाँ पे भी ऐसे ही जाम है। अब ये बड़े बड़े जो गाड़ी है तो हमें जाने से रहे, तो ट्रैफिक से तो हम निकल ही लेंगे। तो चलते हैं उठाते हैं ऑर्डर और देखे कहाँ पर ड्रॉप करना है। अब जगह अपना ऑर्डर हो गया रेडी, कम से कम मुझे 20-25 मिनट हो चुके यहाँ पर खड़े खड़े, और कस्टमर बार बार मेरे को फोन आ रहा है। तो अब उठा लिया हमने ऑर्डर, चलते हैं फटाफट से इसको ड्रॉप करने, जल्दी करना यार। देखते हैं कहाँ पड़ेगा ये बसई के अंदर। वो
ऑर्डर तो मैंने कर दिया यहाँ पे डिलीवर की पतली पतली जगह में, और यहाँ पे ऑर्डर भी आ गया रजौरी गार्डन से उठाना है, दूर का ऑर्डर है थोड़ा। ओहो यहाँ से उठाना है क्या? पर यहाँ से तो निकलने के लिए मुझे चाहिए होगा, निकलूँ कैसे पहले ये देखा जाए, उसके बाद तो मुझे पता ही है कहाँ पे ऑर्डर लेने जाना है। यहाँ से मिलेगा ये लाओ दो भाई, सही गर्म है भाई, पहले डिलीवर कर दूँ। अब इसको लेकर जाना है मुझे इंद्रपुरी वापस। ये भाई उल्टा क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे, अजीब बंदे भाई यहाँ पे अजीब। लास्ट ऑर्डर आया पर दूर का आया, मेरे को लग रहा है यहाँ इंद्रपुरी जहाँ पे गया था अच्छी ट्रैफिक थी, शायद मैं सोच रहा हूँ वहीं पे ना जाके फंस जाऊँ दोबारा। अगर थोड़ा बहुत भी अलग रहा तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर तो भाई। मैं पहले स्कूटी निकालू या पहले मैं निकलूंगी, इसी बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं आप तो पूरा नहा चुके, अब नहाने की जरूरत नहीं है, घर जाते बस कपड़े बदलो बस, और कुछ नहीं करना। तो इतना करते हुए सोचते हैं ऑर्डर करते हैं डिलीवर, और आगे देखो कितनी सारे सारा खराब दिख गया यहाँ से दिख रही है। ओ यहाँ का ऑर्डर था, पर नहीं तो मेरे को कहीं और का दिखा रखा है, ट्रेन खड़ी यहाँ पे। ये ट्रेन चलनी थी क्या? रुकी पड़ी है वहीं की वहीं। यार दिल्ली कैंट का ऑर्डर था ये तो, पर यहाँ पे तो शो कर रहा था इंद्रपुरी, ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को। और ये शायद वाला एरिया है, क्या कहते हैं मिलिट्री एरिया ये वाला। अभी आता हूँ वापस देखता हूँ, अगर ट्रेन मिलती है ही तो मस्त तो देखेंगे उसको। पहले तो बताऊँ डिलीवर फटाफट चलते हैं। अभी मुझे यहाँ से यहीं से गया था मैं, और अभी मेरे को यहीं से वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि टक्कर में ना मिलिट्री बेस है, मतलब मिलिट्री बेस कह रहा हूँ मैं, पबजी तो ना खेल रहा हूँ, मतलब मिलिट्री एरिया है। तो वहाँ पे एक बैठे हुए थे मिलिट्री वाले भैया, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से तो नहीं जा पाओगे, यहाँ से जाने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। तो वहाँ से मुझे जाने से मना कर दिया, तो मुझे वापस जहाँ से आया हूँ वहीं से वापस मुझे जाना पड़ रहा है। तो चलते भाई जहाँ से आए हैं वहीं से निकलेंगे अपना, तो थोड़ा और टाइम लग सकता है मुझे इसमें, पर क्या करें लगना तो है ही। अभी यहाँ पे भाई ऐसा ये सीन हुआ है कि जिस कस्टमर का मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, तो इतनी बड़ी ट्रैफिक देखो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं यहीं पे ना फंस गया। तो ज़्यादा ही टाइम हो गया, उसके वजह से पता नहीं चल रहा जोमैटो, मतलब कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ऑर्डर गया कहाँ पे, और जबकि मैंने ऑर्डर भी दिया भी नहीं कस्टमर को, ये पड़ा। अब इस पर तो करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक टिकट रेस करने जा रहा हूँ, देखते हैं बाकी क्या होता है इस ऑर्डर का, मेरे को पता नहीं है कि इस ऑर्डर को करना क्या है अब। तो मैं आ चुका हूँ अब घर पे, और जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था मैं दिखा देता हूँ, वो ये रहा। इसके अंदर है बिरयानी जिसका भी कॉस्ट है 273 रुपये, और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बता दिया कि मेरा जो ऑर्डर है ये कैंसिल हुआ है या कैंसिलेशन में गया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हर जगह बारिश भी थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हर जगह, और मैं ट्रैफिक में फंस चुका था। जो मेरी गेस्ट की टाइमिंग थी 4 बजे की, वो 4 से ज़्यादा हो चुका था, तो मेरे हिसाब से शायद जो गेस्ट मेरी 4 बजे की थी वो उससे ज़्यादा टाइम हो चुका था। और ट्रैफिक में फंसने के बाद जैसे मैं ट्रैफिक में फंसा, तो फ़ोन में 20 मिनट दिखा रहा था, तो शायद कस्टमर को लॉन्ग टाइम लगने लगा था, तो शायद उसने कैंसिल किया या फिर जोमेटो वालों ने कैंसिल किया, मुझे नहीं पता कि मतलब जो ये ऑर्डर है कैंसिल किसने किया। बट मैंने अपने ऐप पे देखा
तो कैंसिलेशन का शो कर रहा था, और जैसे हम उस पर अपने जैसे लाइव ऑर्डर में जाके हेल्प ले सकते हैं, बट वो ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मेरी जो आईडी थी वो ऑफ हो चुकी थी, तो कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। जो हमारा फ्रिज कोच जो होता है, हमारे जो कोच होते हैं जोमेटो में, तो उनका भी पहले वैसे तो नंबर शो होता है और फ़ोन मिला तो मिल भी जाता है, बट जैसे आज ज़रूरत पड़ी मेरे को तो नंबर सो ही नहीं हो रहा। और जैसे अगर मुझे नंबर मिला काफ़ी टाइम बाद ढूंढने के बाद जोमेटो ऐप के अंदर, तो मैं फ़ोन मिला रहा हूँ अपने कोच को तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो मैंने नारायणा से वापस रजौरी की तरफ आया था, रजौरी में मुझे एक जोमेटो भाई मिल गए थे, वो शायद मुझे पुराने लग रहे थे राइडर्स, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी सी बात हो चुकी है, तो उन्होंने बोला जो ऑर्डर तुम्हारे पास है तो क्या है, मैंने बोला उसमें बिरयानी है, तो कह रहे थे कि ये जो ऑर्डर है वो कैंसिलेशन हो चुका है क्योंकि मैंने उन्हें दिखा दिया था, तो कहते अब इस ऑर्डर का कुछ नहीं हो सकता और इस ऑर्डर को जाके आराम से खाओ। तो मैंने पूछा कि मेरा जो पे आउट है, जो आज का जितना भी पे आउट निकला है, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने बोला इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पे आउट में, ऑर्डर कैंसिलेशन में हुआ, अगर खुद अगर हम कैंसिल करते या कस्टमर कैंसिल करता तो जो ये ऑर्डर है मुझे वापस रेस्टोरेंट जाकर देना पड़ता। तो आईडी ऑफ हो चुकी थी, पता नहीं कैसे कैंसिल हो, जो भी हुआ मैंने जैसे जोमेटो राइडर्स भाई से बात करी तो उन्होंने भाई मुझे बताया सारी बात, तो मैं इसे घर पे लेके आ चुका हूँ पूरा, और अब देखते हैं इसके अंदर बिरयानी कौन सी है, वेज है या नॉन वेज है पता नहीं, खोल के देखेंगे और पार्टी करेंगे आज की पार्टी जोमेटो की तरफ से। तो हमारी जो बिरयानी है वो खुल चुकी है और फोन आ रहा है फटाफट तो देख रहे हो क्या डब्बा है, एक मिनट को डब्बा दिखाओ, ये है बिरयानी और ये स्टिकर हटाओ यहाँ से, देख रहे हो इसकी कॉस्ट है 273 रुपये। और अब हम इस बॉक्स को खोल के देखेंगे कि बिरयानी कैसी है, तो ये है इसकी टेप, ये नाम है बिरयानी, बिरयानी का नाम है वो। ये खोला हमने तो ये अलग अलग पैकेट में है, क्या क्या दिखा रहा हूँ पहले, इसमें क्या है, तो इसमें गुलाब जामुन है, वो तो चलो मैं खा लूँगा, बात तो सही है तो इसके अंदर शायद एक इसमें रायता है मेरे हिसाब से, नहीं क्या कहते हैं इसको, क्या ये उसमें चम्मच होगी, ये क्या है, चटनी लग रही मेरे को, तो चटनी है। तो ये है चटनी, ये है टिशू, और ये क्या है मुझे ये नहीं पता, इसमें ये क्या है, मसाला होगा, ये चम्मच, वो मेन जो चीज़ है वो इसके अंदर है बिरयानी। तो फटाफट से खोल दो भाई इस बिरयानी को ताकि देखा जाए कैसी है बिरयानी। तो ये है हमारी लाजवाब बिरयानी, उस बिरयानी में डालेंगे हम चटनी और फिर इसको खाएंगे, और जो मीठा है एक ही इसके अंदर रसगुल्ला ये हमें मिला है। तो ये आज हो चुकी है हमारी पूरी की पूरी पार्टी, तो देख सकते हो भाई कितनी मस्त बिरयानी है। तो हमारी हो चुकी पार्टी, आप लोग भी जाओ और पार्टी शार्टी करो।